Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजपूती साटन सूट की लहंगे की कलियां कैसे जोड़ते हैं, वो आज के वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हमें उरीबी भाग को नीचा रखना है और रास्ती भाग को ऊपर रखना है हमें। ये रास्ती भाग है और जो ये दूसरी साइड में होता है वो उरीबी भाग होता है, वो ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसे खींचते हैं तो बदता है, उसको हमें नीचे की साइड में रखना है। यानी कि उल्टा भाग हमें नहीं, सीधा भाग नीचे रखना है और सीधा भाग भी हमें ऊपर रखना है। यानी दोनों को अपोजिट साइड में रखना है। इस प्रकार से दोनों को आमने सामने नहीं रखना है, उल्टा भाग नीचे दोनों के बीच में रखना है। इस प्रकार से हमें एक पहले हमें सिलाई लगा देनी है किनारी पे, जो एक हाथ से हमें नीचे की साइड में निर्माण रखनी है। इस प्रकार से हमें निर्माण रखते हुए ये सिलाई लगा देनी है, क्योंकि जो साटन कपड़ा होता है उसमें ये कपड़ा होता है वो बच जाता है, इसलिए वो कलियां सही नहीं जुड़ती है। इसलिए हमें इस प्रकार से कलियां जोड़नी पड़ती है। आप चाहे तो एक सिलाई में जोड़ सकते हैं, परंतु वो सही नहीं जुड़ती है। इस प्रकार से आप कलियां जोड़ सकते हैं, ये सही तरीका है। ऐसे हमें सिलाई लगा देनी है, ये नीचे से ज़्यादा नहीं बदना चाहिए, करीब 1 से 1.5 इंच ही बदना चाहिए, नहीं तो कलियां लटकन लग जाती है, मतलब सही नहीं जुड़ती है, खींचने लगती है। इसी प्रकार से दूसरी भी कली ऐसे हमें जॉइंट कर देना है। एक पहले सिलाई लगा देनी है और भी रास्ती रास्ती को ऊपर रखना है और भी को नीचे रखना है। इस प्रकार से हमें पहले हमें सभी कलियों पे सिलाई लगा देंगे। ये दूसरी भी कली ऐसे जुड़ गई है, यानी सिलाई लगा दी हमें। और अब हम तीसरी कली पे ऐसे हम पहले सिलाई लगाएंगे, रास्ती भाग ऊपर और उरे भी नीचे। इस प्रकार से हमें सिलाई लगाएंगे। ये तीसरी कली पे सिलाई लगा दी है, अब हम चौथी कली पे हमें सिलाई लगाएंगे और ये भी नीचे और रास्ती ऊपर। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। ये देखिए इतना हमें साइड से कट करना है, ताकि जो बाद में हम सिलाई लगाएंगे उसमें बाहर नहीं दिखना चाहिए। धीरे धीरे हमें इसको कपड़े को कट कर देना है फिनिशिंग से। इसी प्रकार से सभी कलियां के एक्स्ट्रा कपड़ा पहले हम कट कर देंगे।
यह हमने कट कर दिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। पहले यह हमने इस प्रकार से कट कर दिया है ताकि बाहर ना दिखे। अब हम नीचे की साइड में स्टार्ट करना है, हमें ऊपर से ले लगाना। इसको ऐसे ऐसे घुमा देना है, ऐसे ऐसे पकड़ के, और यहाँ पे ऐसे सिले लगा देनी है यहाँ पे। इसको ऐसे पकड़ते हुए पहले सिले लगा देंगे। इसी प्रकार से हमें ये देखिए सिले लगे ही है। ये जो सिले लगेंगे बाहर नहीं दिखना चाहिए, वो कपड़ा होता ना, वो कपड़ा बाहर नहीं दिखना चाहिए। इसी प्रकार से हमें सिले लगा देनी है। दोनों कपड़े को बराबर रखते हुए हमें सिले लगानी है। ये ऐसे पकड़ते हुए पूरी कली पे हमें इसी प्रकार से सिले लगा देनी है। ये देखिए हमारी एक कली जुड़ गई है। इसी प्रकार से सभी कलियों में हम ऐसे सिले लगा देनी है। अब हम दो कली ऐसे जुड़ गई है, तीसरी कली को हम सिले लगाएंगे। इसी प्रकार से हमें कली को ऊपर की साइड में सिले लगा देनी है। कपड़े को आगे की साइड में हल्का सा खींच के रखना है। इसी प्रकार से हमें चौथी कली भी इस प्रकार से हमें जॉइंट कर देंगे। ऊपर की साइड में सिलाई दोनों कपड़े को बराबर रखते हुए हमें ऊपर की साइड में सिलाई लगा देंगे। और धागा टाइट हो तो पीछे की साइड में आप हाथ भी रख सकते हैं। मेरे सिलाई धागा टाइट नहीं आ रहा है इसलिए मैं हाथ नहीं रख रहा हूँ। आप धागा टाइट आए तो पीछे की साइड में हाथ भी रख सकते हैं। ये हमारे चार कलियाँ जॉइंट हो गई है। अब हम बीच से कट कर देंगे। इस प्रकार से हमें कट कर देना है। और अब हम दो दो कलियाँ को जॉइंट करेंगे। इसी प्रकार से हमें जॉइंट कर देना है। मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे चार चार कलियाँ ही जॉइंट करके बताऊँगा। मैं वीडियो को आगे ले रहा हूँ। ये इसी प्रकार से हम दो दो कलियाँ जॉइंट की, फिर बाद में हम चार चार जॉइंट करेंगे। इसी सेम ही प्रोसेस है इसलिए मैंने वीडियो को आगे ले लिया। इसी प्रकार से पहले हमें सिलाई लगा देनी है और यहाँ से कनारी से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है। अब हम
सिलाई लगाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, नीचे की साइड से स्टार्ट करना है सिलाई को। नीचे की साइड से ही हमें सिलाई को स्टार्ट करना है, ऊपर से करेंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि और भी भाग को हमें नीचे रखना है, नहीं तो ये सिलाई सही नहीं लगेगी। इस प्रकार से हमें सिलाई को लगाना है कपड़े को बराबर रखते हुए। ये हमारी कलियों की सिलाई हो गई है। इस प्रकार से हमें देखिए कलियाँ जुड़ी है, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से कलियाँ जुड़ी है। अब हम नीचे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम इस प्रकार से कट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के पहले कट कर देना है यहाँ से, और ये सीध में एकदम यहाँ से मिला देना है। इसी प्रकार से सभी कलियों को इस प्रकार से कट कर देना है ऐसे। इस प्रकार से हमें सभी कलियों को ऐसे एकदम सीध में इसको ऐसे मिला देना है। इस प्रकार से हमें सभी कलियों को इस प्रकार से सीध में कट कर देंगे। ये हमारे राजपूती लहंगे की कलियाँ कुछ इस प्रकार से जोड़ी जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।